एसएनजी विद्या मंदिर सेक्टर 4 में केरल प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने वाले श्री नारायण गुरु की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में केरल के पारंपरिक भोजन बनाए गए। श्री नारायण गुरु की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शहर व जिले के नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं ओणम पर्व व श्री नारायण गुरु की जयंती की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही गुरु जी के आदर्शों पर चलकर समाज द्वारा किए जा रहे अति प्रशंसनीय कार्यों की दिल से सराहना करी। देखिए परम पूज्य परम श्रद्धे नारायण गुरु जी की आज जयंती भी है और गुरु जी के जयंती के दिन सारे केरलवासी हमारे मलयाली भाई इस शुभ अवसर को एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। आज मैं यहाँ इस प्रांगण में सेन जी के प्रांगण में आया हूँ और हर साल आता हूँ। मैं पूरे केरलवासियों को और इस नए वर्ष में जो जो जाति संप्रदाय आते हैं उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने परिवार की ओर से भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से जो भिलाई नगरी में हमारे केरलवासी हैं उनके मन में प्रेम श्रद्धा और भाईचारे की भावना कूट कूट कर भरी है। बहुत सरल सहज हैं और जिस भाव से वो यहाँ रहते हैं वो हमारे लिए एक आदर्श है और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आज मैं उनको फिर से एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह हम सब मिलकर अपने भिलाई नगरी को, छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाएं। आज के दिन हम वही भगवान से कामना करें। देखिए ये तो हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा के केंद्र है ऐसे तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अनुरूप ऐसे मंदिर बने वो हम सभी चाहते हैं और मैं भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ। देखिए ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, श्री नारायण गुरु विद्या भवन में आज ओणम के इस पावन अवसर पर आने का अवसर मिला है। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सबका जीवन खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने कार्यों के माध्यम से अपना, अपने परिवार का नाम, समाज का, प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित करते हुए। बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं तो भगवान का आशीर्वाद देते हैं और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो यहाँ का व्यंजन है, केरल समाज का जो व्यंजन है अपने आप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। मैं सबको शुभकामनाएं देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज जो है हमारी गुरु जी की जयंती है, 169th जयंती था, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखा हुआ था। तो हमारा सुबह के कार्यक्रम में जो कल्चरल प्रोग्राम जो हमारे स्कूल के और समाज के बच्चों के द्वारा किया गया था और वैसे ही और दोपहर में हम लोग ने भोजन का व्यवस्था किया गया था जिसमें हम लोग मलयाली भाषा में सद्या बोलते हैं और उसी तरीके का शाम का भी कार्यक्रम हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए केरल से सुनील पी लेडम जो एक वक्ता हैं उनका एक कार्यक्रम रखा गया है शाम को। आज अगर मैं कहूँ तो हमारा उद्देश्य ये कि है हमारे जो श्रीनारायण गुरु जी के, हम लोग जात धर्म इस पर नहीं जाते ज़्यादा, तो हमारे जो आज भिलाईवासी में जो देखा जाए तो अरुण वोरा जी, सीजू एंथोनी जी, इंद्रजीत सिंह जी जो हैवी ट्रांसपोर्ट के संचालक हैं और उसके अलावा अनंत यादव जी, फिरोज राठौड़ जी, भट्टी थाने के TI साहब और भी गणमान्य लोग, बहुत लोग आए थे जिन्होंने हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है उसकी बहुत तारीफ़ करके गए कि ऐसी व्यवस्था हम लोग भिलाई दुर्ग में बहुत कम देखते हैं। जो खाने के समय भी कोई भीड़ नहीं है, वो सुचारू व्यवस्था से हमारी कमेटी द्वारा किया जाता है। उसके लिए हमारे कमेटी बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं के कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाता है। सर देखिए, मैं बोला कि श्रीनारायण गुरु जी का जो उद्देश्य जिस समय था वो उद्देश्य आज कई जगह कई लोग उसको लेकर चल रहे हैं। जैसे केरल में बोलते हैं कि जो शिक्षा पद्धति जो 100% साक्षरता का जो बोलते हैं, तो श्रीनारायण गुरु जी कहते कि हर भारत के हर जगह में, हर कोने में एक विद्यालय उनका रहना चाहिए, उनके नाम से आज विद्यालय है क्योंकि उन्होंने शिक्षा जगत को केरल में उजागर किया था और उनके कारण आज भिलाई दुर्ग ही नहीं, हर कोई भारत के हर जगह में आपको श्रीनारायण गुरु विद्या भवन या उनका मिशन काम कर रहा है।
ये उनका बहुत बहुत ही यानी वो जात धर्म से ऊपर उठकर है वो सारी चीज़ें जी। साक्षरता का मैं आपको इसी उदाहरण दे रहा हूँ कि भिलाई में जो हम लोग स्कूल चालू किए श्रीनारायण गुरु विद्या भवन में, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो यानी बुजुर्ग गार्जियंस लोग जो चालू किए थे, उनका उस समय से एक ही मोटो था, हम विद्या भवन को जो चालू कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य था कि हमको यहाँ पे व्यवसाय नहीं करना है, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करना है। तो उसका एकमात्र मेरे ख्याल से बहुत कम आपको भिलाई दुर्ग में ऐसा स्कूल मिलेगा जहाँ हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, जो कमेटी संचालित करती है, और हम वो पैसे पे ही इंफ्रा खड़ा करते हैं, बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए हम प्रयास करते हैं।